नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। नवरात्रा का त्यौहार स्टार्ट है आज, अष्टमी का दिन भी। आपको बता दें कि जो है विजयदशमी के उपलक्ष्य में रावण का दहन भी किया जाता है, लेकिन आरजेडी के तरफ से एक अलग ही सियासत आपको पोस्टर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। आप ये पोस्टर देख सकते हैं किस तरह से जो है दशहरा के अवसर पर लेकर दिवाली छठ तमाम चीज़ के जो है जनता को बधाइयाँ भी दी जा रही है, और साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि सरकार की तरफ से जो है महागठबंधन की ओर से आपको बधाई दी जा रही है, दीपावली छठ हो, दुर्गा पूजा हो, सारी चीज़ को। लेकिन साथ में आप देख सकते हैं उसके जस्ट बगल में जो है एक लाइन लिखा हुआ है, अब 2024 में सीधे हस्तिनापुर यानी कहे तो नई दिल्ली पर चढ़ाई। बार लगातार जो है नीतीश कुमार जो है चुना यानी महागठबंधन के साथ सरकार जब बनाए थे तो वो लगातार जो है विपक्षी को एकजुट करने में लगे हुए थे। लगातार जो है वो शरद यादव से मिल रहे थे, शरद पवार से मिल रहे थे, सोनिया गांधी से भी मिलने गए थे लालू यादव के साथ, लेकिन क्या बातचीत हुई ये अभी तक जानकारी नहीं है। जब दोनों बाहर निकले तो हाथ जो है एक दूसरे का पकड़े हुए थे, लालू यादव हो नीतीश कुमार एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। लेकिन इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि लालू यादव की जो है एक अलग ही भूमिका दिखाई गई है, उनके साथ तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है इस पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया है, और अलग अलग स्लोगन भी लिखे गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि नीतीश को जो है अर्जुन का रोल दिया गया है, वहीं पे कृष्ण जो है रथ का जो है यानी कह सकते हैं उसको जो पार्थ का वो अदा कर रहे हैं कि कृष्ण की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन ऊपर के पोस्टर में देखेंगे तमाम विपक्ष के जो नेता हैं उनके साथ कृष्ण बने हुए हैं लालू यादव। नीचे के पोस्टर में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पीछे अर्जुन की भूमिका नीतीश कुमार निभा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कृष्ण की भूमिका में जो है तेजस्वी यादव को दिखाया गया है। लेकिन एक चीज़ और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये जो है साथ में जो है वहाँ पे नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और जस्ट बगल में अमित शाह के, उसके नीचे भी आप देख सकते हैं स्लोगन में क्या लिखा हुआ है, किसी की नहीं सुनने वाला सिर्फ अपने मन की बात करने वाला अहंकार का प्रतीक। यानी नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि वो किसी की नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं, और ये अहंकार का प्रतीक इनको बताया गया है। लेकिन उनके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो अमित शाह हैं, उनको जो है क्या कहा गया है स्लोगन के माध्यम से आप वो देखिए, इंसान को इंसान से लड़ाने वाला अधर्म का प्रतीक, यानी अमित शाह को जो है अधर्म का प्रतीक बताया गया है। इन सारी तस्वीरों में अलग अलग चीज़ आपको देखने को मिल रही है। वहीं बात करें तो बीच में जो है एक अलग ही स्लोगन लिखा हुआ है जिसमें साफ तौर पर से आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा हुआ है, लालटेन की रोशनी एक एक तीर सही निशान पर लगाई पार्थ, याद है ना मिशन 2024। यानी जनता से ये कह रहे हैं कि 2024 का जो मिशन है उसको याद रखना है। हस्तिनापुर नई दिल्ली, यानी नई दिल्ली को भी हस्तिनापुर कहा जा रहा है, महाविजयी की जो है घोषणा अभी से ये लोग कर रहे हैं कि 2024 में जो है सारे विपक्षी एक होकर, वे सिर्फ बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं कि 2024 में किसी भी हाल में जो है बीजेपी को हराना है। घबराइए नहीं पार्थ, आपके साथ पहले से ही चक्रधारी और अब के साथ लालटेनधारी जो है, यानी वो नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है आपके साथ लालटेनधारी है और तमाम विपक्ष के नेता भी है। तो आपने देखा कि सियासत की एक अलग अलग रंग होती है। जब से नीतीश कुमार जो है महागठबंधन के साथ सरकार बनाए हैं वो लगातार जो है विपक्षी को एकजुट करने में लगे हुए, लेकिन इस बार जो है एक अलग ही दृश्य, आरजेडी कार्यालय के जस्ट बाहर एक पोस्टर लगाया गया जो आपने देखा किस तरह से जो है स्लोगन के माध्यम से हो चाहे पोस्टर के माध्यम से हो तमाम विपक्ष के नेता का पोस्टर लगा हुआ है। वहीं पे साथ में जो है एक नीचे जो है पूनम राय जो प्रदेश महासचिव महिला राजद बिहार अमनौर विधानसभा सारण क्षेत्र से आते हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ की ये महासचिव है महिला की, ये सारे तस्वीर दिखाने के साथ जो है बीजेपी पर एक जोरदार हमलावर भी है, और कहीं ना कहीं 2024 की जो है रणनीति यहाँ से देखने को मिलती है। दशहरा का त्यौहार भी है और विजयदशमी भी होने वाला है, जहाँ पे एक और कहा जाता है कि जो है असत्य पे सत्य की जीत हुई है। दशहरा का त्यौहार यहाँ पे जो है एक अलग ही पोस्टर के माध्यम से जो है दिखाया गया है, यहाँ पे महाभारत की रोल में इनको दिखाया गया है कि किस तरह से जो है असत्य पे सत्य की जीत। महागठबंधन ये कह रही है कि बीजेपी जो है साफ तौर पे जो है वो जो है पूरा तरह से अधर्म के खिलाफ, अधर्म है, हम लोग धर्म के साथ हैं, ये लोग जो है पूरे असत्य हैं, हम लोग सत्य हैं।
इस पे जो है 2024 में महागठबंधन की जीत होने वाली है। तो अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह से जो है बीजेपी की तरफ से ये इस पे बयान आने वाला है, उसको भी हम आप तक साझा करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबर बने रहने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।